आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, यहां पे x स्क्वायर बाय रियल मैट्रिक्स आ गया है। तो अब आपके पास अगर कोफिशिएंट के हिसाब से देखा जाए तो यहां पे 5 दिया हुआ है, तो हम इसको अंदर रखना चाहते थे, लेकिन यहां पे अगर x की पावर को देखा जाए तो x की पावर 3 है और यहां पे x की पावर क्या है 4। तो हमेशा जो हाईएस्ट डिग्री होती है x की उसको रखते हैं डिग्री साइन के अंदर, लेकिन उसके साथ-साथ हमें एक काम और करना पड़ेगा। जैसे हम एचसीएफ के अंदर कुछ कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद हम क्या करते हैं उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे ही सेम इसी तरह से हम किसी टर्म को या पॉलीनोमियल किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहां x की पावर 4 है और यहां पे साथ में क्या दिया है 5, तो हम करेंगे सेम स्टेप के अंदर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसके साथ डिवीजन भी करेंगे। शो नहीं कर बेटा, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर क्या आएगा 5x एक्सपोनेंट 4 प्लस 5x आपके पास जीरो क्यों माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस 15। अच्छा कैसे कर रहे हैं बेटा, हमने 5 से क्यों किया बेटा, आपके पास इधर क्या है 5, तो इधर मुझे जब पहली टर्म को कैलकुलेट करना पड़ेगा तो डेफिनेटली अगर बाहर अगर आपके पास यहां पे 5 है, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूं सवाल की स्टेटमेंट देख लो। अगर मेरे पास यहां सिर्फ वो होता है x की पावर 4 और मेरे पास यहां 5 है तो मुझे 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, जब 1/5 की तरफ जाता तो क्वेश्चन पूरा फ्रैक्शन में चेंज हो जाता और फ्रैक्शन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है स्टूडेंट्स के लिए, तो उस फ्रैक्शन से बचने के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहां 5x का क्यूब है, यहां 5x की पावर 4 है, तो किस वेरिएबल या किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 5x की पावर 4 आ जाए, 5x से नंबर बेटा 5 से मेरे पास ऑलरेडी है तो x, जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x सब से मल्टीप्लाई होगा, पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम 5x 4, सेकंड से करेंगे 5 3 से 15 x क्यूब, थर्ड से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 17x, एक सेकंड इससे क्या ठीक है, आपके पास यहां मैंने 15 लिखा क्यों लिखा, मैंने गलत लिखा, किसी ने बच्चे ने बताया नहीं मुझे, मैं बताने वाला था लेकिन आपने लिखा। ओके, यहां पे आपके पास अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब आएगा, क्या आएगा 3x क्यूब, कैसे मल्टीप्लाई बेटा, ये जो x है ना इस सब से मल्टीप्लाई होगा, अब इसी x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम -17x स्क्वायर, यस सर, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 6x, 6x साइन चेंज, अलजेब्रा में साइन चेंज होती है, ठीक है सर, पहले काम कर रहे कैंसिल प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 सर प्लस 2x क्यूब माइनस 10 प्लस 17 प्लस 10 सर प्लस 4x प्लस 5 माइनस 6 माइनस x माइनस 1, अभी भी यहां पे x की पावर क्या है 3 है और यहां पे अभी x की पावर 3 है, इसका मतलब दोबारा एक दफा और डिवीजन होती है। अब यहां पे आपके पास दो मेथड है, अगर फ्रैक्शन में जाना चाहेंगे या फ्रैक्शन से निकलना चाहेंगे, निकलना, अगर फ्रैक्शन से निकलना चाहते हो तो फिर हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को 5 के साथ, ताकि क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 से क्या आ जाएगा 10, तो फिर तो आप फ्रैक्शन से जाएंगे बच, अदरवाइज आपको यहां से जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/5 से करना पड़ेगा, जो 2/5 से करेंगे 5 5 से कैंसिल हो जाएगा वो भी आपके पास आ जाएगा, तो वो आपके पास फ्रैक्शन में आएगा, तो अगर हम उससे बचने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं, क्योंकि जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम निग्लेक्ट भी कर लेंगे, हमारे पास होती है तो हम उसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 10x क्यूब फिर से हम 5 जा 35x स्क्वायर माइनस 5x, अब हमें इस फर्स्ट टर्म को किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो इसी तरह है, ठीक है, तो हम यहां क्या लिखते हैं प्लस 2, अब इन सब से मल्टीप्लाई होगा
ठीक है मैं सब आ गया ना से पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 10x³ 2 को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6x³ ठीक थर्ड से करेंगे तो 34x 34 6 to the 12 आपके पास प्लस 5 माइनस 5 प्लस 34 फिर आपके पास माइनस 75 प्लस 12 63 माइनस 75 माइनस 12 आपके पास दोनों माइनस किए हैं क्या बन जाएगा 87 आपके पास 29 का मजा है जी सर 29 कॉमन लेंगे उसके बाद हम इसको बाद में टेकिंग 29 कॉमन टेकिंग कॉमन नहीं जो नंबर कॉमन लेते हैं उसको निगलेक्ट कर देते हैं अब जब इसे 29 कॉमन होगा यहां से क्या आ जाएगा बेटा एक्स अच्छा बेटा यहां से हमारे पास फिर कुछ कॉमन आ रहा है यहां से कॉमन क्या आ रहा है 29 जब हम 29 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर यहां से एक्स 29 × 3 87 तो यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा और उसके बाद हमें ये वाला रखी तब इसके अंदर ठीक है जब इसके अंदर रखते हैं उसके बाद हमें सॉल्व करते हैं पहले पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5x 5x को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 5x³ सेकंड से करेंगे 5x² थर्ड से करेंगे तो प्लस के माइनस 15 एक्स माइनस 15 एक्स साइन चेंज ये हो गया कैंसिल जी सर क्या बचा यहां से बेटा आपके पास माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 17 प्लस 15 माइनस प्लस 3 माइनस 2 माइनस माइनस 2 एक्स प्लस 6 अब आप चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं लेकिन बगैर माइनस कॉमन लिए भी सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट टर्म को इक्वलेट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स से तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 2 के साथ गिव अटेंशन ऑन द बोर्ड माइनस 2 तो यहां आपके पास माइनस 2 एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2 एक्स इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x क्यों आएगा बेटा जरा मुझे भी समझाओ जब मैं याद देखता देख अभी आप से करेक्ट आंसर बोर्ड पे जाइए बेटा जी सर यस काम है जी ठीक है इसका मतलब क्या होगा जिसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया इसका एचसीएफ क्या बना एक्स सो एचसीएफ आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 अगर इसे फैक्टर बना के चेक करना चाहिए इसके फैक्टर बनते कि नहीं बनते फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है माइनस 3 और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 कौन से ऐसे नंबर जिसे मल्टीप्लाई करो 3 है और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आएगा 3 1 3 3 1 3 तो हम करेंगे लेकिन 3 - 1 हमारे पास 2 बचते हैं यहां पे 1 है सर 2 सर 1 इसका मतलब ये है कि इसके फैक्टराइजेशन फैक्टर क्वाड्रेटिक फार्मूले के अलावा नहीं मानते तो इसका आंसर आप यहीं पे छोड़ दें x² + x - 3 अदरवाइज हमें इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा जो इसका आंसर क्या आएगा फ्रैक्शन के अंदर तो लिहाजा इस एचसीएफ आप सिर्फ क्या लिखते हैं x² + x और -3 इज इट क्लियर सर ये लास्ट पॉइंट है नंबर